10 दिन 10 इरादे की छठी किस्त में आज हम लोग अपना जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के संदर्भ में जो सोच है और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी हम लोगों का इरादा है और जिसको दिल्ली की जनता के आशीर्वाद से आने वाले वर्षों में आप सबके सहयोग और इनपुट्स के माध्यम से हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। पिछले सालों में दिल्ली में 20 साल पहले जब हमारी यहाँ सरकार थी तो एक मेजर हिस्टोरिक डेवलपमेंट मेट्रो के संदर्भ में हुई थी। मदन लाल खुराना जी उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और इस मेट्रो के प्रोजेक्ट को हम लोगों ने शुरू किया था। अटल जी ने इसको 2 अक्टूबर के दिन भूमि पूजन किया और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनकर पहली मेट्रो रेल दिल्ली में उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। उस समय से लगातार मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है और अभी दिल्ली में इस बात की आवश्यकता है कि जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यानी लास्ट माइल तक का जो कनेक्शन है, अभी मेट्रो के विकास के बावजूद भी जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट जो आवश्यकता है कि घर से लेकर जो मेट्रो के बीच की जो कनेक्टिविटी है, जिस दिन ये और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल और ज्यादा बेहतर ढंग से लोग करने की स्थिति में आएंगे और जो सारी सोच है वो इसी के इर्द गिर्द है कि जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए और ज्यादा उनका अप्रोच और कनेक्टिविटी जो लोगों के साथ है उसको और ज्यादा साइंटिफिकली बेहतर किया जाए और नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उनको इंट्रोड्यूस किया जाए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको स्ट्रेंथन करा जाए इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड देयर क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज दैट दे ऑफर टू द पीपल। और इसके लिए एक डिटेल्ड ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हो और जितने भी दिल्ली में सिस्टम्स हैं उन सब के बीच में एक परफेक्ट इंटीग्रेटेड एक कोऑर्डिनेशन का सिस्टम हो जिसको हम लोग इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में हम जिसकी बात करते हैं, ये एक ब्रॉडली फ्यूचर का विजन होगा। इसके अंदर फिर बहुत सारे प्रमुख कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अभी आपको एक नोट सर्कुलेट हुआ है, होना है, एक नोट सर्कुलेट होगा, इसको स्लाइड कोई कहा ऋषि इन स्लाइड्स के माध्यम से थोड़ा सा आपको ज्यादा स्पेसिफिक्स में विल गो अबाउट इट। जो भी हमारा इस सब के पीछे सोच यह है कि जो इतने दिन से आप देख रहे हैं कि हम दिल्ली को वर्ल्ड का ग्रीन कैपिटल बनाना चाहते हैं और उस नाते जितना ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम स्ट्रेंथन होगा और प्राइवेट व्हीकल्स चाहे वो कारें हैं, स्कूटर हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, इस तरह की चीजें हैं, इनको जितना हम डिस्करेज करने की स्थिति में लाएंगे उतना ज्यादा ये ग्रीन इनिशिएटिव भी स्ट्रेंथन होगा। और यही हम कहने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि वी हैव रेडिकल प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म द प्रेजेंट सिस्टम
और लोगों को प्राइवेट के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए जिस भी प्रकार से हम अधिक से अधिक इंसेंटिव दे सकते हैं, इंसेंटिव का मतलब कोई खाली फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं होता, इंसेंटिव का मतलब यह है कि उनके लिए कंफर्टेबिलिटी, उनके लिए इजी एक्सेस टू द सिस्टम ये हो जाए, दैट्स द आइडिया। जो अभी मैंने कहा कि ओरिजिन से लेकर और डेस्टिनेशन तक, लोगों के लिए ओरिजिन है उनका घर और डेस्टिनेशन है उनका वर्क प्लेस, तो यहाँ से लेकर और वहाँ तक जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उनको इस तरह से इंटेग्रेट किया जाए कि कनेक्टिविटी बिकम्स परफेक्ट। अब इसमें जो मेट्रो रेल है, बीटीसी है, क्लस्टर बस सिस्टम्स है, मेट्रो की फीडर बसेस हैं, और अभी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग रिंग रेलवे है जो शायद डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट उस तरह से हैंडल नहीं करता, बट यू कैन ऑलवेज परसुएड द इंडियन रेलवे टू सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथन इट फॉर हैविंग बेटर कोऑर्डिनेशन विद द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली, सो दैट ये ओवरऑल कनेक्टिविटी सिस्टम बेटर हो, एंड टू एंड कनेक्टिविटी कंप्यूटर के लिए हो सके। जो लास्ट माइल की मैंने बात की थी, जो अभी मेट्रो का फीडर बस नेटवर्क है, इसके साथ साथ जो मेट्रो और रेल के कंप्यूटर्स हैं इनके लिए जो थ्री व्हीलर बैटरी ऑपरेटेड रिक्शाज हैं इनको बड़े पैमाने पर हमें इनकरेज करना पड़ेगा ताकि आसानी से घर से लेकर और मेट्रो स्टेशन तक या रिंग रेलवे तक लोगों को जाने की सुविधा हो जाए। ये हमारी इस ऑल मेट्रो रेल एंड बस स्टेशंस टू हैव एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फीडर एंड द लास्ट माइल व्हीकल्स। अभी ये सर्विस शुरू हुई है लेकिन अभी भी जितना पर्याप्त मात्रा में ये सुलभ ढंग से सब जगह उपलब्ध होनी चाहिए और सब जगह से इसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसमें आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उसमें अभी पर्याप्त कमी है या वो अपर्याप्त है, इसलिए उसको हमें जो गैप्स हैं उनको काफी बड़े पैमाने पर भरने की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो मोनो रेल के बारे में कुछ बातचीत चली है, आई रियली डोंट नो कि अभी किस स्टेज में है, वेदर इट वॉज जस्ट टॉक्ड अबाउट इन द इलेक्शन ईयर जस्ट बिफोर द इम्पेंडिंग इलेक्शन और इज देयर एनीथिंग विच हैज बीन डन कॉन्क्रीटली, बट वॉट एवर स्टेज इट इज वील ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड। अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो भी उसको नए सिरे से विचार करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा तो उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो अभी जो लो फ्लोर बसेस वगैरह हैं और जो अभी एग्जिस्टिंग भी जो डीटीसी की फ्लीट है, ये रफली जितनी दिल्ली की रिक्वायरमेंट है, बार बार बहुत स्टडीज हुई हैं इसके बारे में और सब स्टडीज ये बोलते हैं कि अभी जितनी जरूरत है उससे आधा भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमें एटलीस्ट इसको डबल करना पड़ेगा, दैट्स अवर विजन। और जो एग्जिस्टिंग मेट्रो का नेटवर्क है इसके जो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, वो जो एरियाज जहां अभी हम मेट्रो को पहुंचा नहीं पाए हैं वहां पर हमें सब पार्ट्स ऑफ दिल्ली में पहुंचाने के लिए प्लान करना पड़ेगा। ये एक पर्सनल रैपिड ट्रांजिट पॉडकास्ट जिसको बोलते हैं, जो बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज हैं, मान लीजिए कोई चांदनी चौक टाइप के, वहां पर वी कैन कंसिडर दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। All these things are subject to sort of assessment and guidance and you can say brainstorming by experts, not only in the government sector but also in the other sectors also, jo professional log hai, bahut sare log IITs mein kaam karte hain, is cheez ke jo desh mein videsh mein vidwan hai, उनकी सबकी सहायता लेके वी विल अल्टीमेटली एक जो अभी मेट्रो के लिए, बस के लिए, सबके लिए अलग अलग कार्ड होता है, आइडिया ये है कि सारे दिल्ली में अगर एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म बने तो एक सिंगल कार्ड, स्मार्ट कार्ड जिसको आप बोले कि
वो यूनिफाइड कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड दैट कैन बी यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे वो मेट्रो रेल है, चाहे मेट्रो फीडर बस है, डीटीसी है, क्लस्टर बसेज है. ये एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मेजॉरिटी कंट्रीज में ये चलता है. काफी जगह जाने का मुझे मौका मिला है, मैंने देखा कि ये यहाँ पर भी होना कोई मुश्किल काम नहीं है वंस वी डिसाइड अबाउट इट. और इसको कार्ड को भी खरीद कर और रिचार्ज करने की ऑनलाइन, जैसा शुरू से हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें ई मैकेनिज्म जो है, ये जितना मैक्सिमम स्ट्रेंथन होगा उतना ईजी होगा. और इसमें सोच ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग कुछ ना कुछ एनकरेज करें, कुछ ना कुछ इसके अंदर कंसेशनल. जैसे आपको याद होगा कि पहले आप सब, हम सब जब स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं तो एक 12.5 रुपये का डीटीसी का कंसेशनल पास स्टूडेंट्स के लिए होता था, ऑल रूट पास उसको बोलते थे. उसी सोच के तहत, क्योंकि स्टूडेंट्स को जितना मैक्सिमम हम एनकरेज कर सकते हैं अपने यंगर लोगों को टू परस्यू देयर स्टडीज भी उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण और ज़्यादा कॉस्टली ना हो, तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए. दैट्स अ आइडिया बिहाइंड. ये अभी ज़्यादातर वर्ल्ड ओवर जहाँ भी हम लोग देखते हैं ये बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं. और मैं आपको 2003 में मैं हेलसिंकी गया था, क्योंकि मैं WHO का इंटरनेशनल अवार्डी हूँ. तो एवरी 3 ईयर्स व्हेन देयर इज ए इंटरनेशनल टोबैको इवेंट, तो WHO normally has been sending me for last 15 years to attend those conferences all over the world. 2003 में मैं हेलसिंकी गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि मैं किसी के घर में बैठा हुआ था. तो हमें कॉन्फ्रेंस साइट पर जाना था, मोस्टली लोग वहाँ बसेज वगैरह यूज करते हैं. तो इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल अवेलेबल रहती हैं, 9:10 था या कितना था, तो उन्होंने जहाँ बैठे थे वो जगह टाइप किया, जहाँ जाना है वो टाइप किया, और उन्होंने कहा कि अभी आप 3 मिनट और बैठिए, आप 3 मिनट बाद उठिएगा, यहाँ से बस स्टॉप जाने में आपको 1.5 मिनट लगेगा, और बस स्टॉप पे आपको 1 मिनट इंतज़ार करनी पड़ेगी, और 9:16 पे 16 मिनट पे आपको वहाँ बस आके मिलेगी. मतलब दैट वॉज द हाइट ऑफ एक्यूरेसी. एंड मैंने कहा नहीं भैया, मुझे, हम लोग हिंदुस्तान से आए, हम लोग को तो जाने दो यार, 5 मिनट पहले पहुंच जाए. कह रहे नहीं सर, आप 3 मिनट बैठिए, कोई देयर इज नो नीड, यू विल नॉट मिस द बस, वी गारंटी दिस. तो एंड एक्चुअली आई सॉ कि बिल्कुल एकदम इट वॉज सो एक्यूरेट कि 8 मिनट से ज़्यादा बस स्टॉप पर वेट नहीं करना पड़ा. और एग्जैक्टली अगर 9:16 उन्होंने बोला अपने कंप्यूटर में डाल के, तो 9:16 पे बस आई, और फिर वो मान लीजिए 9:36 पे हमें वहाँ पर उन्होंने बताया कि 10 मिनट का रास्ता है, आप एग्जैक्टली 10 मिनट पहुँचेंगे, आपका सेशन जो है 9:40 पे है ना, आप चिंता ना करिए, 9:36 पे आप उधर पहुँचेंगे, 2 मिनट आपका वॉक है सिर्फ वहाँ से आपके कॉन्फ्रेंस रूम तक. तो दैट इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी जिसमें टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है वर्ल्ड ओवर. तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं कि भाई हर एक आदमी को हर जगह पे ये सब रूट गाइड्स, टाइम टेबल्स, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें मिले. तो ये सोच है, लेट्स होप वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. फिर ये जो GPS डिवाइसेस के लिए ऑलरेडी बातचीत हो रही है, लेकिन अभी इसमें आप देख रहे हैं कि GPS डिवाइसेस के बारे में पिछले समय में बहुत कंट्रोवर्सीज आई हैं, इसके अंदर बड़े स्कैंडल्स और करप्शन और ये सब. मैं उन सब चीज़ों को आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर GPS डिवाइसेस हों, सेंट्रल कंट्रोल रूम से सारे व्हीकल्स मॉनिटर हों, और जो जैसे सभी जगह वेस्टर्न कंट्रीज में और सब जगह होता है कि टैक्सीज में उसमें सब इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स होते हैं, आपका एकदम उस पर आता है, वो बिल भी आपका इलेक्ट्रॉनिक निकलता है, तो उसमें करप्शन का और इन सब चीज़ों का चांस कम रहता है, मीटर के साथ टेम्परिंग का चांस कम रहता है. और ये हिसाब से हम डेटाबेस ड्राइवर्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के मेंटेन करें, ताकि और जो लोग कानून का पालन ना करें या कानून को ब्रेक करें, पब्लिक ऑफेंडर्स, उनको थॉरली पनिश किया जाए.
इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, दैट्स अवर विजन। रोड की प्लानिंग के अंदर जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ इंटीग्रेशन करना, उस दोनों सोच का ये बहुत जरूरी है। और जो रोड की स्पेस है, जैसे आपने देखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की कि रोड स्पेस, पहले भी कुछ बस लेन्स हुआ करती थी, अभी भी हैं लेकिन शायद कितनी फॉलो होती है, तो इस चीज़ को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि पब्लिक रोड स्पेस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अगर रिजर्व होगा, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर उसको एक तरह से स्पेशलाइज ट्रीटमेंट मिल रहा है तो लोगों का उसके प्रति उत्साह बढ़ेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा लोग यूज करेंगे। फिर इसी में जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं, फायर टेंडर्स हैं, लॉ इन्फोर्समेंट व्हीकल्स वगैरह हैं, इनके लिए वो लेन्स को यूज किया जाए। ये मैंने पहले ही आपको बोला कि नंबर ऑफ पब्लिक बसेस विल बी डबल, ये क्योंकि ऑलरेडी नंबर बहुत कम है। नेक्स्ट, पहले भी होती थी ये, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे उस जमाने में, अभी मुझे पता नहीं कि आजकल कोई लेडीज स्पेशल उस तरह से होती है कि नहीं, बट स्पेशली कंसिडरिंग कि आजकल जिस तरह की थोड़ा प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही है, लेडीज स्पेशल बसेस भी वी हैव टू री इंट्रोड्यूस देम, और सिक्योरिटी वगैरह के एंगल से कुछ उसमें सीसीटीवी कैमराज और ये सब चीज़ें सीनियर सिटीजन और वुमेन के लिए इसके ऊपर बेसिक स्पेशल फोकस हो। ये जो अभी सोच ये है कि नरेला में और नजफगढ़ की तरफ कोई इंटरस्टेट बस टर्मिनल, जैसे हम लोगों ने आनंद विहार वगैरह में बनाया और सारे काले खां में बनाया, ऐसे कम से कम दो वर्ल्ड क्लास इंटरस्टेट बस टर्मिनल्स और बने, और जो हमारे ये पहले जो बने हुए हैं इनको और फर्दर हम इनको अपग्रेड करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक ले जाने की कोशिश करें। ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज हैं, जो कई बार ये जो बाहर के जो व्हीकल्स वगैरह दिल्ली से क्रॉस करके निकलते हैं, उस उनके कारण जो कंजेशन और दिल्ली में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये जो पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज हैं इनको कंप्लीट करें हम। ऑलरेडी ये पेंडिंग है प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, ये पहले भी कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये बैटरी ऑपरेटेड थ्री व्हीलर्स वगैरह, इनको हम लोग जितना एनकरेज करेंगे उतना अच्छा है। और शायद उस दिन नितिन जी ने भी जब बात की थी आपसे, ये चर्चा हम लोगों ने की थी कि जो एक आदमी दूसरे आदमी को ढोता है, ये आज भी 21st सेंचुरी में 2013 में ये थोड़ा बहुत खराब लगता है, देखने में भी, सुनने में भी और महसूस करने में भी। तो ये वाला सिस्टम जितना जल्दी देश में हम समाप्त कर सकते हैं, वी कैन सेट द ट्रेंड की भाई कम से कम दिल्ली में तो इसको हम एलिमिनेट करने की दिशा में आगे बढ़ें। उसके लिए इनको एनकरेज करने के लिए लो इंटरेस्ट पर लोन्स मिलें, सब्सिडीज दें, कुछ सेल्स टैक्स वगैरह से एग्जेम्पशन दें, दैट्स द आइडिया बिहाइंड इट। ये मेरे लिए पर्सनली तो ये पैशन एरिया है, बिकॉज जितना ज्यादा लोग साइकिल पे चलेंगे और जितना ज्यादा लोग पैदल चलेंगे, उतना ज्यादा शहर में बीमारियां कम होंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि जो 45% डिजीज बर्डन है दुनिया का, वो केवल फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण है। द डे यू प्रमोट द कल्चर दैट पीपल स्टार्ट वॉकिंग, पीपल स्टार्ट साइकिलिंग, अभी मैं जो आपको हेलसिंकी की बात कर रहा था, वहां पर सरकार के बड़े बड़े मिनिस्टर भी, जिस कॉन्फ्रेंस के लिए मैं गया था उस कॉन्फ्रेंस में मुझे ख्याल है कि जो सरकार के शायद प्राइम मिनिस्टर, वो भी बस पे आए थे, और वहाँ लोग जो है वहाँ पर साइकिलिंग करना और साइकिल के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये प्राइड, सेंस ऑफ प्राइड माना जाता है इसके अंदर। आई थिंक वी हैव टू प्रमोट दैट कल्चर।
अगर वो कल्चर प्रमोट करेंगे तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा, जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का इंसिडेंस है वो भी देश में कम होगा। ये वॉल्व सिटी के लिए, कंजेस्टेड एरियाज के लिए वी विल ट्राई टू डिवाइज स्पेशल प्लान्स। द्वारका जो हमारा इतना बड़ा एशिया का लार्जेस्ट टाउनशिप है, उसके लिए भी वी हैव टू गिव सम स्पेशल अटेंशन। कोई ट्रैम वगैरह या कोई भी चीज, व्हाटएवर द एक्सपर्ट्स एडवाइस, उसकी अंदर विद इन द द्वारका कनेक्टिविटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, मेट्रो वगैरह से कनेक्टेड है लेकिन द्वारका में एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर अगर आदमी को जाना हो तो उसके पास कोई तरीका नहीं है कि वो कैसे जाए, तो उसके लिए स्पेशल प्लान्स हैव टू बी डिवाइस। ये हमने इसमें करने की बात की है। ये एक चीज़ है कि जो अमेरिका वगैरह में हम देखते हैं कि वहाँ कभी दिन में कोई सड़क पे कोई काम करते हुए आपको दिखाई नहीं देता। रात में अगर आप जाइए तो रात में हर जगह पे काम हो रहा होगा, कोई सीवर भी चौक हो गया है तो वो रात को ठीक हो जाएगा, नाली भी खराब हो गई है, सड़क भी बननी है। यहाँ पर दिन भर जो है सब सड़क खुली रहती है, रात में सब मस्ती से सोते हैं। हमें लगता है ये कल्चर भी जो है चेंज करने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक वर्किंग नॉर्म्स और ये सारी चीज़ों को रेडिकली चेंज करने की ज़रूरत है, ये हम इसमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये की रोड्स के ऊपर ये जो इंटेलिजेंट सिग्नलिंग सिस्टम्स आप समझते ही हैं, ये तो कई बार इस हिसाब से होता है कि हर एक पे आपको एक के बाद एक थोड़े डिस्टेंस पे भी रेडी मिलता जाता है, और ज़्यादा फर्दर एग्रीवेट होता जाता है कंजेशन। तो ये सेंसिटिविटी वाला इसमें मैकेनिज्म्स होते हैं जिसमें कि अगर इनको आप स्ट्रेंथन करें तो यू कैन टैकल कंजेशन ऑन द रोड्स इन ए मच बेटर वे। और एक फिर पार्किंग का इशू अभी काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ है, जिसमें शायद जिस प्रकार की सफलता मिलनी चाहिए थी अभी मिली नहीं है, और इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो हम लोग इसके लिए एक रीविजिट करके इस प्रॉब्लम को एक डिटेल्ड मास्टर प्लान बनाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें और ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें, मल्टी लेवल पार्किंग लॉट्स बनाएं। अभी मेरी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में अभी हम लोगों ने प्लान करके थोड़ा समय पहले भूमि पूजन किया, वो 7 मंजिला हम लोग बना रहे हैं वहाँ पर, और 275 गाड़ियों का, उसमें एक मंजिल जो है उसमें हमने पूरा कमर्शियल कम्प्लेक्स रखा है, और एक मंजिल के ऊपर सरकार के सारे ऑफिसेस, और बाकी में तो इस टाइप के कुछ कंसेप्ट जो हैं हम लोगों को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। तो मोटे तौर पर ट्रांसपोर्ट के बारे में ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनको हम लोग आगे बढ़ाने की अपनी सरकार आने पर कोशिश करेंगे। आपके मन में कोई स्पेसिफिक एनी क्वेश्चंस प्लीज? एक एक आराम से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और काफी उस पर सुप्रीम कोर्ट भी गए, लोगों की भी भावनाएं जुड़ी हुई है, बीआरटी कॉरिडोर के बारे में आपको कहीं जिक्र नहीं है। देखिए बीआरटी सुन लीजिए, बीआरटी कॉरिडोर के बारे में फ्रेंकली स्पीकिंग, जब बीआरटी कॉरिडोर बना था तो आपको याद होगा कि आई वॉज द फर्स्ट वन हु वेंट ऑन दैट बीआरटी कॉरिडोर अलॉन्ग विद माई युवा मोर्चा पीपल, आई वॉज द पार्टी प्रेजिडेंट। वहाँ पर कितने सारे प्रोटेस्ट हुए थे बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम IIT एंड इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द रिलेटेड फील्ड दे हैड एक्सप्रेस्ड देयर अपोजिशन एट दैट स्टेज। आई हैड गॉन बाय देयर ओपिनियन ओनली एट दैट स्टेज, मैं कोई ट्रैफिक का एक्सपर्ट नहीं हूँ, और हम लोगों ने अपोज किया था। और अभी इतने दिन के बाद जो बीआरटी कॉरिडोर का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ख्याल से आप सबके सामने है, आई डोंट हैव टू, इट हैज़ टू बी, मतलब यू कैन सी दैट योरसेल्फ। तो अभी इसके बारे में हमने कमेंट इसलिए नहीं किया कि इसकी नीति गृति के अंदर सरकार में आने के बाद वी विल रीविजिट दिस प्रोजेक्ट, वी विल फाइंड आउट कि व्हाट द टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैव टू से ऑन दिस राइट नाउ। बट frankly speaking I feel that this is a failed project and it was done out of over enthusiasm without careful planning, without thinking and going into the depth of the issue and probably ignoring the experts opinion. aur usme jab shuru shuru mein baatein aayi thi to bahut sari aisi baatein aayi ki a
एक किलोमीटर की जो सड़क इतने से पैसे में बन सकती थी वो इतने सारे पैसे में बनी। तो ऐसी भी बहुत सारी स्टोरीज आप ही लोग लिखते थे। अब हमारे पास तो हम इंजीनियर है नहीं, कैलकुलेशन हमने कोई किया नहीं, बट आई थिंक वी हैव टू रिविजिट दैट इशू इन जनरल। साइकिल को एनकरेज करें, एनकरेज करेंगे। हाँ, और आपने बहुत सारे उदाहरण भी दिए, जैसे मंत्री बस से चलते हैं, तो क्या उदाहरण पेश करेंगे कि आपके मंत्री भी साइकिल? मैंने शायद इसमें जो हमारा प्रेस नोट है इसमें नहीं है ये बात, लेकिन मैंने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि समय समय पर मैं तो अभी भी खुद भी मेट्रो से चलता हूँ, बहुत दिन से चल रहा हूँ, मेरे पास मेट्रो का पास है। मेरे दो बच्चे द्वारका में रहते हैं, तो मैं तो अपने कृष्णा नगर से द्वारका मेट्रो में जाता हूँ हमेशा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इसमें लिखा है प्रेस नोट में भी कि जो लोग सरकार में हैं उनको भी टू प्रमोट द कल्चर दे शुड ऑल्सो बी यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड वी विल सिंसियरली ट्राई टू प्रमोट दिस कल्चर। और अब ये शायद व्यवहारिक ना हो कि आदमी घर से लेकर अपने दफ्तर तक साइकिल पे चला जाए, लेकिन अगर अपने घर से कहीं सैर करने के लिए स्टेडियम पर ही साइकिल पे जाता है, साइकिल पार्क करके सैर करके चला आता है, मार्केट में साइकिल से चला जाता है, तो पर्सनली आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ अगर दिल्ली के अंदर जो है साइकिल कल्चर जो है रिवाइव होकर और अधिक से अधिक लोग खूबसूरत साइकिलों पर चलते हुए दिखाई देंगे और हम इस कल्चर को बढ़ावा देंगे, इस कल्चर को जितना प्रमोट कर सकते करेंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये जो आदमी साइकिल पकड़ लेगा उसको जो है कम से कम 10 साल की लाइफ उसकी बढ़ जाएगी। जी जी, दिल्ली के आपने प्रोग्राम लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम आपके, लेकिन दिल्ली की सड़कों का क्या सही हाल है आज की कंडीशन? देखिए, आप जा रहे थे कृष्णा नगर में, आपके घर तक पहुंचने के लिए बाहर से अंदर जाने में कम से कम 1 घंटा? देखिए, ये जो अभी हमने बात की है ये ट्रैफिक कंजेशन की हमने बात आज नहीं की, अभी हम ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो एक बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट है। ट्रैफिक कंजेशन को ठीक करने के लिए ये भी एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को स्ट्रेंथन करना और फिर जो लोगों को इंसेंटिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए देना ताकि वो प्राइवेट उसको कम से कम इस्तेमाल करें, वो भी डीकंजेस्ट करने की दिशा में एक प्रयास है, बट वो भी अपने आप में एक अलग से साइंस है जिसके ऊपर जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के ट्रैफिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी, जैसे अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पे स्पेशल लेन होती है हाईवे पे, अगर आप एक गाड़ी में अगर अकेले ड्राइव कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल लेन पे चलना पड़ेगा, लेकिन इफ यू आर मोर देन टू, आप दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो आपके लिए स्पेशल लेन है, उस लेन पे कोई भीड़ नहीं होती है। तो दैट इज एन इंसेंटिव फॉर पीपल कि भाई चार लोग एक साथ अगर चलेंगे तो वो उस लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में विचार करना पड़ेगा, बट इट इज़ टू अर्ली टू से बिकॉज ये चीज़ें ऐसी है कि बिना एक्सपर्ट्स के, बिना नेशनल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के, स्टडी के कुछ भी ऐसे बोल दें वो दैट्स नॉट ओके। तो इसके लेकिन ये गंभीर विषय है और सच बात है 15 साल में इसके बारे में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। ट्रैफिक कंजेशन और वाटर लॉगिंग मेरी इस सरकार से दो मेजर शिकायतें हैं कि ट्रैफिक कंजेशन के बारे में देयर अप्रोच हैज बीन वेरी कैजुअल और वाटर लॉगिंग के बारे में सिवाय इसके कि सरकार में वाटर लॉगिंग हुई तो उसने एमसीडी को ब्लेम करना शुरू कर दिया, एमसीडी ने अपना करने के लिए ये इनका सड़क है, ये इनका नाला है, ये इनका ब्रिज है। आई थिंक दिस इज ऑल रबिश जी, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए थी और इसको सॉल्व करने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर ग्रेडियंट वगैरह ये सारी चीज़ों की नेशनल इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज होती तो ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा जा सकता था। जी नहीं, अभी देखिए फेयर की तो अभी इसमें बात इसलिए नहीं, अभी तो हमने एक जनरल है ये डॉक्यूमेंट है, ये फेयर ऐसी चीज है ना कि अभी इतना फेयर है इसको इतना कर देंगे या कम कर देंगे, दिस इज नहीं, वी विल रिव्यू एवरीथिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग। इफ कोई अगर अच्छा काम हो रहा है
हम उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। जैसे जितने अच्छे काम मैंने हेल्थ में एजुकेशन में किए, आई फील सो सॉरी टू से कि जितनी चीजें मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली है इस सरकार ने आकर सबसे पहला जो काम किया 98 में कि वो सारे अच्छे काम और सारी स्कीम्स को बंद कर दिया। दैट इज नॉट अवर विजन कि कोई गवर्नमेंट में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद अगर अच्छा काम हो रहा है उसको आप खत्म कर दें, तो वो हम नहीं करने वाले। हर एक चीज को रिव्यू करेंगे ऑब्जेक्टिवली, अगर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसके अंदर कुछ नहीं करने की जरूरत है कुछ नहीं करेंगे, और उसको रिजेक्ट करने की जरूरत है रिजेक्ट करेंगे। जी एक 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 मैं समझ नहीं पाया क्या चाहिए देखिए ऐसा है कि आप ऐसा समझते हैं कि जो जिनको आप तथाकथित अनपढ़ समझते हैं ना, वो आपसे हमसे ज्यादा जो है पढ़े लिखे और समझदार हैं। आज हर जगह कैफे हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि जो है गरीब, मैं जब शिक्षा मंत्री था तो आठवीं क्लास फेल बच्ची जो आगे नहीं पढ़ पाई वो बेचारी जो है झुग्गी झोपड़ी के अंदर 20-20 लोगों को निरक्षर को साक्षर बनाने का काम करती थी। बड़े बड़े पढ़े लिखों से ज्यादा जो है उसको जो है अपना आईक्यू था। नहीं, अब ये नेक्स्ट उनको भी उनको एजुकेट करना पड़ेगा ना, उनको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, वो तो अगर हमें पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें कि साइकिल को अगर प्रमोट करने के लिए साइकिल को सब्सिडाइज भी करना पड़े तो अब मतलब बिना सोचे करेंगे। राम प्रकाश जी जी ब्राह्म सर, मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि दिल्ली में ऑटो की मनमानी, ऑटो चालकों की मनमानी एक बड़ी समस्या है दिल्ली में। मुंबई के अगर ऑटो चालक देखिए, आप दिल्ली में ऑटो देखिए तो ना तो मीटर से चलते हैं ना एक नहीं, हमने इसके लिए रामपाल जी बात की है, हमने इसके लिए कहा है कि जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, उसमें रसीद का प्रॉपर सिस्टम, जीपीएस का नहीं, ये अब देखिए कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि सरकार उस मशीन से किसी का माइंडसेट ठीक करेगी, लेकिन हमने पांचों बातें कही हैं। हमने कहा है हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाएंगे, उसके अंदर रसीद का सिस्टम ठीक होगा, जीपीएस होगा, जीपीएस की कनेक्टिविटी होगी कंट्रोल रूम से। हमने कहा है कि ऑफेंडर को थॉरोली पनिश करेंगे, तो जितनी चीजें हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। और कोई आप सुझाव हमें देंगे, आज नहीं लेंगे हम आपका सुझाव, 8 तारीख के बाद लेंगे, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा एक मेरा ख्याल से सवाल तो कोई पर्सनली बाद में कर लेना, एक उन्होंने हमारे साथियों ने एक इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है, आपको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होगा इसलिए जो है मेरा ख्याल एक मिनट, इट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक मिनट। फ्रेंड्स आपको एक कंप्लेंट हमारी जो मिली होगी चीफ इलेक्शन कमीशन को, जो हमने कंप्लेंट की है अबाउट केजरीवाल, AC-40 से चुनाव वो लड़ रहे हैं, और कंप्लेंट में हमने कहा है कि ये कंप्लीट वायलेशन है इलेक्शन लॉज का, और एक ही समय में उनके 3 जगह वोटर लिस्ट में उनके नाम है, एक उत्तर प्रदेश में है साहिबाबाद के अंदर, और एक सीमापुरी में है, और एक दिल्ली AC-40 में है। तो ये कंप्लेंट जो है कंप्लीट वायलेशन है, और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट आर्टिकल 31 में के खिलाफ उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसकी हमने मांग की है। और अगर उन्होंने ये, अगर वो कहते हैं कि साहब उनकी इग्नोरेंस है, तो एक सवाल पैदा होता है, और दूसरा सवाल पैदा होता है कि अगर उन्होंने डिलीशन के लिए कोई फॉर्म दिया था तो आज की डेट में ये नाम कैसे हैं, तो देन हु इज रिस्पॉन्सिबल। और अगर उन्होंने इग्नोरेंस किया है तो ये सवाल आप पैदा कर सकते हैं कि अगर वो सीएम के कैंडिडेट हैं तो उनका विजन दिल्ली के बारे में और किस तरीके से वो काम करते हैं, ये हमने कंप्लेंट आपको की है, और इलेक्शन कमीशन इस पर कोई कार्रवाई करेगा, और इस पर FIR भी दर्ज हो सकती है, इसमें तमाम तरह के प्रोविजंस हैं जिस प्रोविजंस के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये जानकारी हम आपको देना चाहते थे। इसके तहत आपको कोई और देखिए ये जो विषय आया है ये एकदम गंभीर विषय है,
ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के कंटेक्स्ट में मैं नहीं इसकी चर्चा कर रहा कि ये इनका आया, लेकिन अगर एक इतने जिम्मेदार व्यक्ति, इतने प्रोमिनेंट आदमी का इस तरह से हो सकता है एक वोटर्स लिस्ट में, तो दिल्ली में वोटर्स लिस्ट में कितने इस तरह के विषय हैं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है वोटर्स लिस्ट की ऑथेंटिसिटी के ऊपर कि ऐसे कितने लोग और हैं दिल्ली में जिन्होंने तीन तीन जगह पे, दो दो जगह पे अपने वोट बना के रखे हैं, और इस वोटर्स लिस्ट के बारे में भी तमाम किस्म के प्रश्न उठते हैं। बाकी जो लॉ हैज टू टेक इट्स ओन कोर्स, सतीश जी ने आपके आपको ये जानकारी दी है, इलेक्शन कमीशन आई थिंक शुड टेक नोट ऑफ इट एंड एक्ट अर्जेंटली, दैट्स व्हाट वी अपील टू द इलेक्शन कमीशन। जी सर, तो तीन 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 टर्म में तीन इंटरस्टेट टर्मिनल खराब है, तो इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं कि 4 तारीख को आप हमारी सरकार लाइए। थैंक यू वेरी मच।